हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ गया है और अभी से ही गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई है कि घर से निकलना ही दुस्वाद हो रहा है। तो लेकिन घर से तो निकलना ही पड़ता है, तो उसके लिए ताजगी और ठंडक रखने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ सत्तू की रेसिपी। तो ये है सत्तू, ये है जौ, ये जौ है भुना हुआ, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास ये भुना हुआ जौ ना हो तो आप जौ का दलिया भी ले सकते हैं और उसको हल्का सा भून लेते हैं, लेकिन मेरे पास ये भुना हुआ जौ है तो मैंने ये जौ ले लिया है। तो अब ये जौ को हम पीस लेंगे एक मिक्सी के जार में डाल के। तो ये लिया मिक्सी का जार और इसमें हम इसको डाल लेते हैं। इसको मैंने एक बार ही सूखा ही छान लिया है क्योंकि इसमें हल्की हल्की डस्ट आती है मार्केट से, तो इससे पहले जल्दी से छान लें और इसे पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमने इसको पाउडर की तरह पीस लिया है। अभी इसे हम छान लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे छान लेंगे और ये जो मोटा है इसके ऊपर बच जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये बच गया इसमें मोटा, इसको हम दोबारा से पीस लेंगे और ये हमारा बन गया फाइन एकदम सत्तू। तो पहले इसे हम मोटे वाले को भी पीस लेते हैं, फिर मैं इसका सत्तू आपको बताऊंगी। तो ये भी हमने बारीक पीस लिया है और इसको भी हम इसी में छान लेंगे। तो ये देखिए, इसमें ज्यादा सा ही निकला है, इसे हम हटा देंगे। तो ये बन गया हमारा जौ का सत्तू। तो अब जौ का सत्तू तो हमने बना लिया, अब इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो मैं पहले मीठा बनाऊंगी और फिर नमकीन बनाऊंगी। तो ये लिया मैंने 2 चम्मच सत्तू, ये वाली चम्मच से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोल लेंगे जिससे इसमें गांठ ना बने। तो ये इस तरीके से हमने घोल लिया। कई एरिया में तो ये इसी तरीके से गाढ़ा ही सत्तू खाया जाता है। अब इसमें लेंगे हम मीठा, तो मीठा भी हम लेंगे अपने स्वाद के अनुसार। अगर कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो ज़्यादा लें, नहीं तो इसमें सिर्फ 2 चम्मच मीठा हम लेंगे और इसे अच्छे से घोल देंगे। और अगर आपको ये सत्तू थोड़ा पतला चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालें और मीठा घुलने के बाद डालें इसमें हम 2 से 3 आइस क्यूब और इसे ठंडा होने तक हम रख देंगे। और ये है तैयार है हमारा सत्तू। तो इसे घर से निकलने से पहले आप इसे पी के जाएँ तो आपको एकदम ताजगी और स्फूर्ति रहेगी शरीर में और गर्मी का भी एहसास ज़्यादा नहीं होगा। और ये बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त सत्तू, पूरा इसमें फाइबर है और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसे अपने बच्चों को, बड़ों को और खुद भी जरूर लें और इसे खाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास भी कम होगा। तो अब मैं आपके लिए दूसरा सत्तू बनाती हूँ, नमक वाला। तो फिर लिया हमने एक बाउल और बाउल में लेंगे हम ये 1 चम्मच और ये लगभग 1.5 चम्मच लिया हमने सत्तू। तो ये लिया हमने 1.5 चम्मच सत्तू और ये लिया हमने 1/4 काला नमक और ये 1 चुटकी लिया हमने सफ़ेद नमक, क्योंकि नमक हमें स्वाद के अनुसार ही डालना है। और ये लिया है मैंने थोड़ा सा जीरा, ये जीरा लिया है मैंने भुना हुआ। तो इसको हम हथेली पर इस तरीके से मीड के इसमें डाल देंगे और फिर इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसका ये गोल बना लेंगे। वही हमें धीरे धीरे से इसमें पानी डालना है और इसको एक
पतला गोल हमें बना लेना है। तो ये इस तरीके से हमारा नमकीन सत्तू बनके तैयार है। अभी से हम पीने के लिए तैयार करते हैं। तो ये हो गया नमकीन सत्तू, और इसमें लेते हैं हम कुछ पुदीना की पत्तियां, जिनको हम इस तरीके से थोड़ी मोटी मोटी तोड़ के हाथ से डाल देंगे और कर देंगे मिक्स। तो देखिए ये है तैयार हमारा गर्मियों का ताजगी से भरपूर सत्तू। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सत्तू है। अगर जिसको मीठा नहीं खाना है तो आप इस तरीके से नमकीन सत्तू बना के भी पी सकते हैं। आप इसे दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, और इसको पीस के स्टोर करके रख सकते हैं कि जब मन करे तभी आप इसे बना सकते हैं। तो अब मैं बनाती हूँ आपके लिए चने और जौ का सत्तू। तो अभी मैंने आपको बताया था सिर्फ जौ का सत्तू, और अगर आप चाहें तो सिर्फ चने का सत्तू भी आप बना सकते हैं। लेकिन जौ और चने का जो मिला के सत्तू बनता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो हमें 1 कटोरी लेना है जौ भुना हुआ, और 1 कटोरी लेना है चना। हमें जौ और चना बराबर लेना है, उसी से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चना मैंने ये छिलके वाला लिया है। छिलके वाले चना लेंगे तो इसमें आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा। तो इनको भी हम मिक्सी के जार में डाल के दोनों को पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने चना और जौ का भी इस तरीके से पाउडर बना लिया है, और इसे भी हम छान लेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने जौ के सत्तू को छाना था उसी तरीके से हम इसे भी छान लेंगे। ये चना और जौ मिला के जो सत्तू बनता है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, और ये फ़ायदा भी ज़्यादा करता है क्योंकि इसमें चना मिल गया, और चने में बहुत ज़्यादा विटामिन और बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो ये देखिए ये इसमें ज़रा सा ही बचा है जिसको हम निकाल देंगे, और ये है तैयार हमारा सत्तू। ये देखिए ये बिल्कुल फाइन एकदम बढ़िया पाउडर है। आप इसे 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वही है कि जिस तरीके से मैंने जौ का सत्तू बनाया था। तो आप मीठा बनाएं तो उसी तरीके से मीठा डाल लें, और अगर आप नमकीन बनाएं तो आप इसमें उसी तरीके से नमकीन बना लें, और आपके पास अगर नींबू है तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।